उत्पत्ति अध्याय 43, उत्पत्ति अध्याय 43। और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया, जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया। तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे। क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की दशा को इस रीति से पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है, तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहाँ ले आओ? फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए, इससे हम और तू हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामिन होता हूँ, मेरी इस हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं इसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तु में से कुछ कुछ अपने बोरे में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास जाओ, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामिन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामिन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामिन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डरकर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंच गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गद्दे को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने को आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है, इसलिए हम उसको अपने साथ फिर ले आते हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते थे कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर
जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पांवों को धोया। फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सन्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहां जाकर रो, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत करके कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख के वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामिन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया।